एक बार लास्ट नारा बोलूंगा मैं, जय जोहर करारा है। अरे कमान, लास्ट में मुझे मौका दिया है वैसे आभार व्यक्त करने के लिए, क्योंकि हमने भी पहले से प्रस्ताव दे रखा था कि आज के कार्यक्रम में स्थानीय हम लोग ना बोल के जो दूर से वक्ता है, अलग अलग राज्य से वक्ता है, वो आके यहाँ पे बोले और उनका हमारा समय उनको दे, और हमारे यहाँ की जनता आदिवासी समाज है उनको एक अच्छा सा मैसेज दे, इसलिए हम यहाँ आभार व्यक्त लास्ट में करना चाहेंगे। सबसे पहले तो मैं इस बेनका धरती पे, पवित्र धरती पे आप चारों राज्य से, कोने कोने से आदिवासी समाज और एससी समाज और ओबीसी समाज आया, इसके लिए खूब खूब माइनॉरिटी और खूब खूब जोहार, खूब खूब धन्यवाद, आभार करना चाहेंगे हम लोग। आज सभी वक्ताओं ने बताया कि हमारे आदिवासी समाज की यहाँ पे 80% बेनका की जमीन हमारे आदिवासी समाज के नाम पे होनी चाहिए, और अपन भी कह रहे हैं कि 80% से अगर 1% भी जमीन कम हो गई तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार का ठिकाना नहीं रहेगा इस एरिया के अंदर, क्योंकि ये बेनका आदिवासी समाज का है, और इस धरती पे जो छोटे मोटे जो भी डेरे डाल रखे हैं वो भी कहीं कहीं हट जाएंगे, एक समय आएगा। तो आप, मैं ज्यादा समय नहीं बोलूंगा, और मैं कहना एक और मेरी बात रह जाएगी कि आज इस बेणेश्वर धरती पे हमने पूरा समतल पूरा समाज ने कराया, एक एक रुपया लगा के चंदा करके, और पूरा समाज लास्ट में मरने के बाद यहाँ ही आता है, चाहे एमएलए हो, सरपंच है, एमपी हो, कोई भी आता है। तो आज जो पहले गंदगी में बैठ के हमको खाना खाना भोजन बनाना पड़ रहा था, अब ये होगा नहीं, हमको यहाँ पे इस पवित्र धरती के बीच में खाने की सुविधा मिलेगी, और जो यहाँ पे आज तक नेताओं ने सुविधा नहीं करी है वो नेता वापस गंदगी में बैठने का ऐलान करते हैं हम लोग। मेरी बात ज्यादा नहीं करता, सब बात मेरी बात सुने, इसके लिए खूब खूब धन्यवाद, जोहार, जय आदिवासी।